हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कैसे क्रोध की शक्ति को सकारात्मक रूप से हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ टू यूज एंगर्स एनर्जी पॉजिटिवली। अगर हम देखते हैं हमारे जीवन में कोई भी कार्य करना है उसके लिए हमें शक्ति लगती है। कोई बड़ा वजन उठाना है तो शक्ति लगती है, कोई गाड़ी चलनी है उसको ढकेलना है तो शक्ति लगती है। तो एक प्रकार की शक्ति है शारीरिक शक्ति और दूसरे प्रकार की शक्ति है मानसिक शक्ति। कभी कभी कोई वही चीज़ बार बार करते लग जाते तो हम उससे थक जाते हैं, कोई हम कहते हैं आई एम सिक ऑफ दिस, मैं तंग आ गया उससे भी, मैं करना नहीं चाहता इसको। तो कब हमारी जो मानसिक शक्ति होती है जब वो ख़त्म हो जाती है तो फिर शरीर के स्तर पे शक्ति भी होगी तभी कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है। तो हमारी जो मानसिक शक्ति है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये मानसिक शक्ति को वेस्ट करने वाली सबसे बड़ी चीज़ जो है वह सबसे बड़ी चीज़ों में से एक चीज़ जो है वो है क्रोध। मैं अमेरिका में कुछ समय पहले था, कुछ मनोवैज्ञानिकों का एक कॉन्फ्रेंस था साइकोलॉजिस्ट का, तो उसमें मुझे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विषय से कुछ बोलने को बताया गया था और तभी बातचीत चल रही थी तो तभी हम देखा ऐसे वो साइकोलॉजिस्ट बता रहा था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी वी एग्जॉस्ट व्हेन वी गेट एंग्री इज मोर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एवरेज पर्सन स्पेंड्स थ्रू आउट द डे। जब कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है, गुस्से में चिल्लाता है, डांटता है और कुछ करता है तो उसमें अपनी बहुत सी शक्ति वो व्यक्ति व्यर्थ गवाता है। तो अभी ये जो मैं इस प्रवचन को तीन विभाग में लूँगा। पहला ऐसे है कैसे जो क्रोध है हमसे बुरे कार्य करवा लेता है, दूसरा है कि क्रोध कैसे आता है और तीसरा है शास्त्रों महाभारत से दो कहानियाँ हम देखेंगे जिससे कि एक में क्रोध का सकारात्मक रूप उपयोग और एक में नकारात्मक परिणाम। तो अभी जो क्रोध वास्तव में क्या है ये एक ऐसा विस्फोटक है। मैं भी जो अंग्रेजी में सीरीज ले रहा हूँ उसका टॉपिक था बर्न एंगर बिफोर एंगर बर्न्स यू। क्रोध को जलाओ इसके पहले कि क्रोध आपको जला दे। तो कभी कभी आपने कोई मूवी में देखा होगा कोई युद्ध चल रहा है तो लोगों में कोई कोई ऐसा बॉम्ब अपने हाथ में लेता है और फेंकता है कि वो बॉम्ब दूसरों पर दूसरों को जला देना चाहिए। पर क्रोध ऐसा है, क्रोध ऐसा बम है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए हमको जरूर जला देगा। हम वो विस्फोटक हमारे हाथ में लेते हैं, मैं इस पर चिल्लाने वाला हूँ, इसको डांटने वाला हूँ, इसने ऐसे किया मैं इसको दिखाऊंगा अभी। तो भले ही हम उसको कुछ कर पाए या ना कर पाए पर वो क्रोध ऐसा है, भले ही हम वो बम फेंक दे उस पर फिर भी वो जो बम हमारे हाथ में भी रहता है और फिर हम पे विनाशकारी कार्य कर हमारे द्वारा विनाशकारी कार्य करवाता है, हम पे नकारात्मक परिणाम कराता है। बहुत से लोग जाते हैं कि क्रोध के प्रभाव में आकर पागल जैसे कार्य करते हैं। तो कहते हैं एंगर इज टेम्पररी इंसैनिटी। क्रोध जो है ये एक कुछ क्षणों के लिए आने वाला पागलपन जैसे है। जब इस तरह से क्रोध आता है, मेरा एक मित्र है उसको बहुत क्रोध आया करता था और फिर क्रोध में आके ऐसे कुछ बोल देता था और बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। फिर बाकी लोग नॉर्मल क्यों नहीं हुए? पर क्या उस समय क्रोध में ऐसा वो बोल देता था कि लोगों को बहुत दर्द होता था, दुख होता था। तो फिर एक बार उसके मित्र ने क्या कि जब वो क्रोध में आ गया तो उसने जो कुछ बोला था वो चुपचाप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया। फिर उसको दिखाया, मैंने ऐसे बोला, उसको स्मृति भी नहीं थी मैंने ऐसे बोला था। क्रोध में ऐसे व्यक्ति वर्बल वायलेंस जो शब्दों के स्तर पर हिंसा कर सकता है, कभी कभी शारीरिक हिंसा भी कर सकता है। तो जो क्रोध है शास्त्र में बताया गया है कि ये नरक का एक द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध सुधा लोभस तस्मादित्रयम त्यजेत। तो जो व्यक्ति जिंदगी भर में कुछ बना सकता है एक पल में अगर क्रोध में आके वो कुछ ऐसे कार्य कर देगा तो उसका सारा विनाश कर सकता है। और खास करके आजकल तंत्र ज्ञान लोगों के हाथ में है तो तंत्र ज्ञान से हमारी जो वासनाएं हैं, हमारी जो निचली इच्छा है उन पे अगर कुछ कार्य करना है तो बड़ा ही विध्वंसक कार्य कोई कर सकता है। तो ये क्रोध आता कहाँ से है? शास्त्रों में बताया गया है कि क्रोध जो है यह कामानुज है,
अनुज का मतलब क्या है? किसी को पता है अनुज का मतलब? छोटा भाई। तो काम अनुज मतलब काम का छोटा भाई है। तो जहां पे काम आता है उसके पीछे पीछे क्रोध आता है। काम का मतलब यहाँ पे क्या है? कोई भी ऐसी इच्छा जो अनियंत्रित मात्रा में किसी व्यक्ति में आ जाती है, और जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है या इच्छा की पूर्ति में कोई व्यत्यय आता है, कुछ उसमें हमको बाधा लगती है, तो उस वो बाधा के प्रति क्रोधाएं लगता है। तो ये क्रोध का जो उगम है वो कहाँ से है? हम हमारी इच्छा जो है वो पूरी करना चाहते हैं, जो पूरी नहीं हो रही होती है तो फिर क्रोध आ जाता है। और तो इस तरह से एक तरह से हम कह सकते हैं क्रोध अनिवार्य है, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होगी जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, पर हम जो भी हजारों चीज़ें चाहते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार हो, नहीं होती है, तो हर एक चीज़ पे हमें क्रोध नहीं आता है। तो कुछ चीज़ों पे क्रोध क्यों आता है, कुछ चीज़ों पे क्रोध नहीं आता है? इसका कारण ये है कि हमारे जो इच्छा है, जो काम है, वो कितना शक्तिशाली है। अभी कोई व्यक्ति, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और कुछ लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में, तो फिर देखते हैं अगर भारत हार गया तो फिर थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं, और कुछ लोग बहुत आसक्त हैं, और तो अगर भारत हार जाता है तो फिर लोग कभी कभी टीवी तोड़ देते हैं। तो श्रीलंका में कुछ समय पहले गए, मिला थे मुझे, वहाँ से बताया था कि जब श्रीलंका की टीम वर्ल्ड कप हार गई थी तो वहाँ पे कई लोगों ने, श्रीलंकन क्रिकेट फैंस ने आत्महत्या कर दी। अभी खुद को मारना भी एक प्रकार का क्रोध ही है। वो क्या है? खुद पे हिंसा हम कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? उसमें अभी क्रिकेट में बहुत आसक्ति होगी तो क्रोध बहुत आ जाएगा। तो जो क्रोध हमें आता है वो हमारी जितनी आसक्ति है उसकी मात्रा में आता है। तो अभी ये क्रोध एक तरह से अनिवार्य है, क्योंकि हम सब में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। पर इसके बावजूद अगर हमें एक नियंत्रित जीवन जीना है, नियमित जीवन जीना है, तो हमें ये देखना है कि हमारी जो इच्छाएं हैं उसके परे क्या है। हम साधारणतः ये चीज़ें देखते हैं, हमारी दुनिया में दृष्टि ये होती है कि या तो चीज़ें मेरे नियंत्रण में हैं या चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। पर हमें भक्ति का तत्व ज्ञान, भगवद्गीता तत्व ज्ञान बताता है कि इन दोनों के परे कुछ और है। कुछ चीज़ें मेरे नियंत्रण में हैं, कुछ चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं। पर जो चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं वो क्या है? भगवान के नियंत्रण में है। और इसीलिए अगर कुछ चीज़ मेरी इच्छा के विपरीत हो रही है, कोई व्यक्ति भले ही मेरी इच्छा के खिलाफ कुछ कार्य कर रहा है, तो फिर मैं इसमें देख सकता हूँ कि यहाँ पे भगवान की क्या इच्छा है, भगवान की क्या योजना है। महाभारत में वर्णन आता है कि विदुर जो थे वो बार बार धृतराष्ट्र को सदुपदेश देने का प्रयास करते थे। विदुर बहुत विद्वान थे, यहाँ तक कि विदुर ने जो उपदेश दिए है, जैसे चाणक्य की नीति है ऐसे विदुर की भी एक नीति है, विदुर नीति नाम का ग्रंथ है। तो जब बार बार वो उपदेश दे रहे थे, विदुर की बात धृतराष्ट्र सुन नहीं रहे थे, और एक समय ऐसे आ गया कि दुर्योधन जो था वह विदुर पे इतना गुस्सा हो गया कि उनको बहुत बुरा भला कहने लग गए। अभी जो पारंपरिक सांस्कृतिक परिवार जो होते हैं वहाँ पे किसी कोई बड़े लोग होते हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं, तो उनके खिलाफ कोई बोलते नहीं है। पर यहाँ पे दुर्योधन जो एक तरह से विदुर के बेटे के समान था, उसने विदुर का बड़ा अपमान किया, और जब ये अपमान हुआ तो विदुर को बड़ा बुरा लगा। ऐसे बताया गया तीर मान लो उनके हृदय में आ गए, और जब उनका क्रोध हुआ तो फिर एक तरह से दुख हुआ, क्रोध हुआ। पर तभी ऐसे बताया गया है कि उन्होंने देखा कि इसके वचनों में मेरे लिए मौका है। क्या मौका है? कि मुझे अभी ये कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तभी वो हस्तिनापुर छोड़ के वनों में जाके जो ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करने का मौका देखा। तो जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो किसी भी प्रकार से, किसी भी उद्देश्य से कार्य क्यों न कर रहा। दुर्योधन जो था उसका तो, उसको केवल अपने लोभ के कारण वो कार्य कर रहा था, पर जो विदुर था उन्होंने क्या देखा कि ये कार्य इसने किसी भी उद्देश्य से क्यों न किया हो, यहाँ पे मुझे, मेरे लिए क्या सकारात्मक है, मेरे लिए क्या मौका है।
तो अगर वो देखते थे, सिर्फ ये देखते थे कि ये दुर्योधन इतना इतना अनकल्चर्ड, असुसंस्कृत है कि यह अपने बड़ों से ऐसे बात करता है, कुछ भी नियंत्रण नहीं, कुछ भी अनुशासन नहीं है, वो सिर्फ अगर वो चीज़ देखते थे, मैं इसको बात बताने की बात कर, मैं उसको बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सुन ही नहीं रहा है, सिर्फ उतना देखते थे, फिर उसे केवल क्रोध में आ जाते थे। उन्होंने क्या देखा, ठीक है ये मेरे नियंत्रण में नहीं है, पर जो हो रहा है इसमें कुछ भगवान की योजना है। तो भगवान की योजना अगर हम देखते हैं तो हम क्रोध के परे जा सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में मेलबोर्न में एक लेक्चर दे रहा था, तो उसके बाद में प्रश्नोत्तर थे, तो चिट्स में लोग लिख के सवाल पूछे थे। तो एक भक्त ने सवाल पूछा कि मुझे अभी एक भक्त का सेवा करनी है, और वो भक्त ने मुझे मेरे मुंह पे कह दिया है कि आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो अभी ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, और अगर वो भक्त यहाँ पे है तो आप उनको क्या बताना चाहोगे? तो फिर मैंने बताया कि किस तरह से जब भी हम किसी से भी कोई बातचीत कर रहे हैं, किसी से कोई आदान प्रदान कर रहे हैं, तो भक्त और अभक्त इन दोनों के आदान प्रदान में फ़र्क क्या होता है कि अगर वो व्यक्ति यहाँ पे है, हम यहाँ पे, तो भक्त के संबंध में हमेशा एक तीसरा व्यक्ति होता है। तो तीसरा व्यक्ति कौन है? भगवान। तो हम जब कार्य करते हैं तो हमें देखना है कि मैं भगवान की सेवा यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ। एक उदाहरण है इसके लिए कि मान लीजिए कोई कपड़ों का दुकान है और वहाँ पे कुछ अटेंडेंट्स है जो वहाँ पे कपड़े दिखाते, जो ये लोग ग्राहक लोग आते हैं उनको। तो अभी कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं कि वो हज़ार कपड़े देखते और एक भी खरीदते नहीं है। जब ऐसे होता है तो फिर वो जो जो दिखा रहे हैं वहाँ पे, वो तंगा जगह ये कपड़ा देखा, बाकी सारा हमको फोल्ड करके अभी लगाना है वापस, इतना सारा काम है, कुछ खरीद भी नहीं रहा है। तो कभी कुछ कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो ऐसा एक बार नहीं करते, दो बार बार ऐसे ही करते रहते, आते हैं कपड़े देखते हैं लेते ही नहीं है। तो साधारणतः अगर कोई ग्राहक दुकान में आता है तो सारे जो वहाँ पे सेवक होंगे वो सब आएंगे कि मुझे अगर ये मुझे सेल करना है। पर कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जब वो ग्राहक आते हैं तो सब सेवक दूर चले जाते हैं वहाँ से। तो मान लीजिए ऐसा कोई ग्राहक आ गया है और वहाँ पे कोई सेवक है उस दुकान में, और वो जो सेवक है बड़े अच्छी तरह से बात करता है, वो ग्राहक बड़ा ही रूढ़ है, बड़ा ही निष्ठुर है बात करने में, और बड़ा ही डिमांडिंग है, ये दिखा वो दिखा वो दिखा वो सब, कोई किसी को भी उसमें क्रोध आ जाएगा। पर अगर ये सेवक ये सोचता है कि मेरी जो तनख्वाह है वो इस ग्राहक से नहीं आ रही, मेरे बॉस से आ रही है, और मेरा जो बॉस है यहाँ पर कैमरा है और कैमरा देख रहा है, तो अभी वो भले अच्छी तरह से बात करते रहेगा उस व्यक्ति से, और जब उसी से बात करते रहेगा तो उसके बाद में भले ही वो ग्राहक वो कुछ कपड़ा खरीदे या ना खरीदे, ना खरीदे के वो चले जाए, तो एक तरह से उसका सारा जो प्रयास है वो व्यर्थ चला गया। शायद उसके बाद में बॉस आ जाएगा, बॉस कहेगा कि जो डिफ़िकल्ट लोग होते हैं, जो मुश्किल लोग होते हैं, उनसे बातचीत कैसे करना है, उनसे कैसे बर्ताव करना है तुम जानते हो, यू आर कूल हेडेड, आपका दिमाग ठंडा रखते हो। तो वह देखकर शायद वो जो बॉस है इसको प्रमोट कर देगा कि तुम ये सारा जो विंग है इसको संभालो, और यहाँ पे जो भी कोई टफ कस्टमर आते हैं, मुश्किल ग्राहक जो आते हैं, उनको कैसे कैसे बातचीत करना, ये सबको आप ट्रेन कर। तो यहाँ पे क्या है, वो अगर वो सिर्फ वो ग्राहक को सेल करना है यह देख रहा है तो उसमें वो अयशस्वी हो गया। अगर उतनी ही वो देख रहा होगा तो ये अयशस्वी हो गया, पर अगर देखता है कि ग्राहक के परे मेरा बॉस है तो फिर उस बॉस को पसंद करने में यशस्वी हो गया है। तो उस तरह से जब हम किसी से भी आदान प्रदान कर रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उस व्यक्ति से आदान प्रदान नहीं कर रहे, उस व्यक्ति से जरूर आदान प्रदान कर रहे हैं पर केवल उस व्यक्ति से नहीं कर रहे। देखना है कि इस परिस्थिति में मुझे कैसा कार्य करना चाहिए कि जिससे कि मैं भगवान को प्रसन्न करूँ, भगवान की सेवा कर सकूँ। और भगवान को प्रसन्न करना या भगवान की सेवा करना, इसका ये मतलब नहीं है
कि वो व्यक्ति कैसा भी बर्ताव करे, हम और सब सब चुपचाप बैठे रहे, और वो अपमान कर रहा हो, वो कुछ अन्याय कर रहा हो, और हम उसको सहन करें, पर हम क्या देखें कि मैं किस तरह से कार्य करूं यहाँ पे जिससे कि मैं भगवान को पसंद कर सकूं। और कभी कभी उसके लिए हम शांत रह सकते हैं, कभी कभी उसके लिए हम प्रतिकार भी कर सकते हैं। जैसे पांडवों का उदाहरण हम देखते हैं, तो काफ़ी हद तक जब पहले पांडवों पहले जब दुर्योधन ने भीम को जहर खिलाया, उसको मार डालने का प्रयास किया, भीम तो बच गए, पर उसके बाद में जब भीम बच के वापस आ गए तो युधिष्ठिर ने कहा ये घर का झगड़ा है, इस दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ चौकन्ने हो जाएंगे और आगे कुछ करना नहीं चाहिए। बाद में वापस वारणावत में उनको जब भेजा गया, वहाँ पर जलाने का प्रयास भी किया, तभी भी पांडव वहाँ से भाग गए, चिकल गए वहाँ से। बाद में उन्हें द्रौपदी का हाथ मिल गया, वापस जब आ गए तो उन्होंने कौरव को कुछ दोष नहीं दिया, ठीक है बात को बढ़ाओ मत, पर जब बाद में उन्होंने द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया, और अकेले द्रौपदी का अपमान किया, उसके बाद में पांडव को वनवास में भेजा, और वनवास से आने के बाद भी दुर्योधन ने राज्य वापस करना इनकार कर दिया। अभी क्या है कि जब व्यक्ति कार्य करते हैं, हम उनका कार्य देखते हैं और उनका भाव भी देखते हैं, वो किस भाव से, किस चेतना से वो कार्य कर रहे हैं। तो जब दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण स्वयं आए, कृष्ण स्वयं आए शांति दूत के रूप में, तो तभी कृष्ण ने क्या मांग की, किसी को पता है? हाँ, सिर्फ पांच गांव दे दो। वास्तव में उनको आधा राज्य चाहिए था, पर आधा राज्य ने पांच गांव भी दे दो। और दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? सुई भी जितने जगह, सुई जितनी जगह उतनी भी जगह नहीं दूंगा मैं। तो अभी ये कैसे है, अभी मान लीजिए हम किसी को कार्यक्रम, हमारा एक सत्संग का कार्यक्रम आ जाओ, हम उनको आमंत्रण देते और वो कहते हैं कि एक्चुअली मेरा ये दूसरा कार्यक्रम है, दूसरा काम है, इसे आ नहीं सकता, तो वो ना कह रहे हैं, पर कैसे है कि वो ना जब कह रहे हैं, इट इज़ अ नो टू द इनविटेशन, नॉट टू द पर्सन। वो व्यक्ति को ना नहीं बोल रहे, व्यक्ति के जो वो जो रिक्वेस्ट है आमंत्रण, उसको ना बोल रहे। पर मान लीजिए अगर हम किसी को आमंत्रण देते, आप हमारे सत्संग कार्यक्रम को आ जाओ, और वो कहते हैं कि मैं मर भी जाऊँगा तो मेरी लाश भी तुम्हारे कार्यक्रम में नहीं आएगी। अगर कोई ऐसे बोलता है तो फिर क्या है, वो ना उस रिक्वेस्ट को नहीं है, वो ना उस व्यक्ति को है। तो ये दुर्योधन का ना जो था वैसे था, मैं मतलब कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तुमको इतनी भी जगह नहीं दूंगा। तो जब ये भाव हो गया तो फिर पांडवों को युद्ध भी करना पड़ा, पर साधारणतः लोग युद्ध करते हैं तो क्रोध के वश में भी युद्ध करते, पर भगवान अर्जुन, भगवान भगवद्गीता में बताते हैं अर्जुन को कि मई सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः, युद्ध करो। पर वो कहते हैं कि आप जो स्वार्थ की भावना से, क्रोध की भावना से, इसके परे जाकर युद्ध करो। तो जब युद्ध भी कर रहे हैं, युद्ध केवल क्रोध के वश में नहीं कर रहे, वो क्या धर्म की प्रस्थापना करने के लिए कर रहे हैं। तो जब ही ये जो पांडवों ने युद्ध किया, वो एक तरह से क्रोध का सकारात्मक इस्तेमाल था, और उसमें भी हम देखते हैं किस तरह से सकारात्मक इस्तेमाल और हो सकता है एक प्रसंग से। तो दो प्रसंग हम देखेंगे अभी इसमें से, महाभारत से ही, कि जो महाभारत के कितने दिन का युद्ध था टोटल, 18 दिन का। तो उसमें पहले भीष्म पितामह सेनापति थे, वो कितने दिन के सेनापति, किसी को पता है? या पहले 9 दिन के थे, 10वें दिन में वो हार गए, तो टोटल 10 दिन के लिए थे वो। फिर उसके बाद में कौन बना सेनापति? द्रोणाचार्य बने। तो जब द्रोणाचार्य सेनापति बने, तभी क्या हुआ था, पहले 10 दिन के लिए कर्ण ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो जैसे ही कर्ण आ गया तो तभी द्रोणाचार्य, तभी सबने सोचा कि दुर्योधन और कर्ण बहुत अच्छे मित्र है, दुर्योधन कर्ण को सेनापति बना देगा, और दुर्योधन भी उसी भाव से कर्ण के पास चला गया सेनापति का पद देने के लिए। और कर्ण ने कहा कि वास्तव में ये जो द्रोणाचार्य जो है वो तुम्हारे गुरु है, और वो हम सबसे वरिष्ठ है, और वो बड़े शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ तुम्हारे लिए युद्ध कर रहे हैं, उनके होते हुए मुझे सेनापति बनाना उचित नहीं, उनको सेनापति बना।
तो फिर ये बात सुन के दुर्योधन द्रोण के पास चले गए और द्रोण को भी लग रहा था कि कर्ण को सेनापति बनाएंगे तो कर्ण के अधीन होकर मुझे यहाँ पर युद्ध करना पड़ेगा, को थोड़ा बुरा लग रहा था। जब उनको सेनापति का पद दे दिया तो द्रोण को बड़ा आनंद हो गया, बोले प्रसन्न हो गए, बोले तुमने मुझे ये आदर दिया है, मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ। तो अभी दुर्योधन तैयार ही था, दुर्योधन राजनीतिक था पूरा। तो उसने कहा, और राजनीति में कैसे होता है, एक चीज़ अगर कोई किसी ने करता है तो बराबर उसका हिसाब निकालते हैं, ये मैं तुम्हारे लिए बाद में तुमसे मैं ये लेने वाला हूँ, तो ये भाव था उसका। तो फिर उसने क्या किया, तभी उसने कहा मुझे वर चाहिए, क्या मुझे आप एक वर दीजिए कि आप युधिष्ठिर को जिंदा गिरफ्तार करके मेरे सामने लेके आइए। और तभी द्रोणाचार्य की आँखें बड़ी खुल गई, बोले अच्छा, आँखें आश्चर्य से, बोले अच्छा युधिष्ठिर तो इतने अजात शत्रु है कि तुम भी उनका वध नहीं चाहते, तुमको जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हो। तो तभी दुर्योधन ने कहा कि ये 10 दिन जो युद्ध देखा है मैंने, मैं समझ गया हूँ कि ये पांडवों को हराना नामुमकिन है। भीम और अर्जुन ऐसे योद्धा है कि हम उनको हरा नहीं सकते, तो मेरी योजना है कि अगर युधिष्ठिर को आप गिरफ्तार करके मेरे सामने लेके आ जाओगे तो फिर मैं युधिष्ठिर, अगर हम युधिष्ठिर को मार डालेंगे तो वो होना हो नहीं पाएगा, पर अगर हुआ भी तो भीम और अर्जुन इतने क्रोध हो जाएंगे कि हमारा सबका विनाश कर देंगे। तो मेरी योजना है कि अगर आप युधिष्ठिर को मेरे सामने जिंदा लेके आओगे तो मैं पुनः उसको जुआ खेलने की चुनौती दूंगा और पुनः उसको 13 साल वनवास में भेज दूंगा। और तभी द्रोण अपने सिर का लगेगी, तुम कभी सीखोगे नहीं। तभी द्रोण ने कहा कि अभी देखो अर्जुन मेरा शिष्य है पर वो अभी युवा है, मैं भी वृद्ध हो गया, और अर्जुन ने स्वर्ग में जाके दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं, इसलिए अगर वो मेरे रास्ते के बीच में आ गए तो भले ही वो मुझे हरा नहीं पाएगा पर मैं भी उसको हरा नहीं पाऊंगा। तो अगर तुम युधिष्ठिर, तुम अर्जुन को बाजू कर सकते हो तो मैं युधिष्ठिर को हरा सकता हूँ, युधिष्ठिर को मैं आप गिरफ्तार करके लेके आ जाऊँगा। तो तभी दुर्योधन बोले ठीक है। तो त्रिगर्त का राजा था सुशर्मा, उसने उनसे कहा कि तुम अर्जुन को चुनौती दो, और 11वें दिन 12वें दिन दोनों दिन सुशर्मा ने चुनौती दी और अर्जुन को दूसरी दिशा में लेके गए। पर क्या हो गया, जैसे ही वो अर्जुन को लेके गए पर सुशर्मा की शक्ति इतनी नहीं थी, अर्जुन को दूर लेके गए वो, पर जैसे ही अर्जुन को पता चल गया कि युधिष्ठिर थोड़े खतरे में है तो युधिष्ठिर के पास तुरंत आ गए। और दोनों समय में द्रोण जब गिरफ्तार करने ही वाले थे युधिष्ठिर को, तभी अर्जुन आ गए पीछे, और तभी बहुत हताश हो गए। कौन द्रोण हताश हो गए और दुर्योधन जब तक क्रोधित हो गया। दुर्योधन उस शाम को आया और कहने लगा द्रोणाचार्य से, आपने वादा किया था मुझसे कि आप युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर लोगे, और अगर आपका स्नेह पांडव के प्रति इतना है कि आप युद्ध नहीं करना चाहते तो कृपया आप मुझे स्पष्ट रूप से ऐसे बता दो, आप सेनापति पद से फिर उतर जाओ और मैं कर्ण को सेनापति बना दूंगा, और जो आप नहीं कर पाए कर्ण कर देगा। तो अभी किसी क्षत्रिय को इस तरह से बोलना बड़ा, द्रोणाचार्य क्षत्रिय नहीं है पर क्षत्रिय भाव से युद्ध कर रहे थे, तो बड़ा अपमान की बात है। तो द्रोण इतने क्रोध हो गए, हे राजकुमार, मेरे शरीर में जो जख्म है वो सब तुम्हारे ही लिए युद्ध करते हुए मैं लिए है, तुम इतने कृतघ्न हो कि जो तुम्हारे लिए अपनी जान न्यौछावर कर रहे उनकी तुम भर्त्सना कर रहे हो। हाँ, मैंने वादा किया था मैं युधिष्ठिर को गिरफ्तार करूंगा, और ये सारे जख्म मुझे जो हुए हैं वह गवाह है कि मैंने अपने सामर्थ्य से पूरा प्रयास किया है। प्रयास करना ही मानव के हाथ में है, जो फल है वो दैव निर्धारित करता है, और जो दैव के स्वामी है वो अर्जुन के रथ में है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो फिर तो अभी क्या है, दुर्योधन जो होता है उसको तत्व ज्ञान को सुनना नहीं था, कुछ कुछ ऐसे ऐसे जैसे ही कुछ गॉसिप होती है, पॉलिटिक्स होता है, स्पोर्ट्स होता है तो उड़ जाते तत्व ज्ञान से, सो जाते उनका रुचि नहीं रहती कुछ उसको। तो वैसे ही क्या हो गया, अभी क्या करना है आप बताओ मुझे। तो फिर
द्रोणाचार्य ने कहा कि हम मैं कल एक विशेष रचना करता हूँ. कौन सी रचना थी वो? चक्रव्यूह की. चक्रव्यूह की रचना करता हूँ. और चक्रव्यूह की जो रचना जब उन्होंने की तो फिर बोले कि अगर अर्जुन को आप दूर लेके जाओगे तो फिर हाँ वो चक्रव्यूह से युधिष्ठिर को गिरफ्तार कर लेंगे. तभी उनको ये पता नहीं था कि अभिमन्यु को भी वो ज्ञान था चक्रव्यूह को भेद करने का. पर एक समस्या थी. क्या थी? अभिमन्यु हाँ अंदर जा सकता था पर बाहर नहीं आ सकता था. तो दुर्भाग्यवश जयद्रथ ने जो पांडव उसके पीछे आने वाले थे उसको रोक दिया और उस दिन अभिमन्यु का वध हो गया बड़े निष्ठुर पद्धति से. और छह योद्धाओं ने साथ में मिलके आक्रमण करके जो अभी छोटे 16 साल के बालक थे उसका वध कर दिया. और वह सारे कौरवों पे वो जो पूरे महाभारत के युद्ध का दिस इज द डार्केस्ट मोमेंट सबसे काला समय था ये. तो वास्तव में भले ही युद्ध हो रहा था कई बार ऐसे युद्ध हुआ था कि भीम और अश्वत्थामा और घटोत्कच में युद्ध हुआ. तो जब युद्ध चल रहा था तो अश्वत्थामा ने घटोत्कच से कहा घटोत्कच भीम का पुत्र था कि तुम तो मेरे पुत्र के समान हो मैं तुम पर आक्रमण नहीं करना चाहता. तो घटोत्कच ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र के समान अगर हूँ तो मुझे आप युद्ध करने का आदर दो मुझसे. मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ. तो अभी तो जब जब कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है तो उसमें थोड़ा आदर का भाव होता है. पर यहाँ पे सारा भूल के वैसे ऐसे सारा स्नेह भाव भूल के जब छह योद्धाओं ने आक्रमण किया तो सारे पांडव पूरे हताश हो गए थे. जब अर्जुन को पता चल गया तो अर्जुन तभी पहले तो इतने कोलैप्स्ड गिर गए और रोने लग गए. और फिर बाद में क्रोध में आके आवेश में आके वो सबको डांटने लग गए. वो अपने भाइयों से कहने लग गए क्या तुम्हारे सारे युद्ध के जो शस्त्र है क्या ये केवल चूड़ियाँ हैं तुम्हारी? तुम सब मिलके अभिमन्यु को रक्षा नहीं कर पाए. और कृष्ण की ओर मुड़े. कृष्ण को मुड़कर कहा कृष्ण तुमको तो पता होगा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इसके बारे में? तो क्रोध और शोक में इस तरह से पूरा विलाप कर रहे थे. और तभी कृष्ण भगवान ने कहा क्या किया? कृष्ण भगवान ने तभी अर्जुन को नहीं बताया ये नहीं बताया कि हे अर्जुन तुम्हें किसी से आसक्त नहीं होना चाहिए. तभी कोई फिलॉसफी नहीं बताई हमारी. देर इज अ टाइम टू प्रीच एंड देर इज अ टाइम टू नॉट प्रीच. ये कभी कभी व्यक्ति भावनाओं के आवेश में होता है तो भावनाओं पर बात करना चाहिए उसको. तो ज्ञान के तैयार होता तो ज्ञान बताना चाहिए. कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने कभी उनको बताया कि हे अर्जुन तुम देखो तुम्हारे भाई जो है तुम्हारे जैसे ही दुखी है. अभिमन्यु के वध से तुम्हें जितना दुख हो रहा है उन्हें भी दुख हो रहा है. जो दुख उन्हें हो रहा है क्या तुम अपने शब्द रूपी बाणों से उनके घावों में और नमक डाल रहे हो? क्यों उनके दर्द को तुम और बढ़ा रहे हो? जो सुसंस्कृत व्यक्ति होते हैं वो अपने अपने प्रेम करने वाले जो होते हैं उनके दर्द को कम करने का प्रयास करते बढ़ाते नहीं है. जब इस तरह से भगवान ने अर्जुन को सहानुभूति दी उनको शक्ति दी सहारा दिया शांत किया तभी अर्जुन का जो पहले जो क्रोध था वो अभी क्रोध ये बड़ी शक्ति है. जो क्रोध जो होता है अनरेगुलेटेड एंगर इज लाइक अ मशीन गन. रेगुलेटेड एंगर इज लाइक अ लेजर गन. जो क्रोध होता है उसको अगर नियंत्रित नहीं करते तो क्या होता है इधर उधर कहीं भी चला जाता है. कभी कभी होता है तो व्यक्ति को गुस्सा हो जाता है तो अभी एक व्यक्ति से गुस्सा है पर दूसरा व्यक्ति बीच में आ जाता है तो उस पर गुस्सा निकाल देते हैं. कई बार होता है कोई दफ्तर में गुस्सा कर दफ्तर में कुछ प्रॉब्लम आ गया है वहाँ पे झगड़ा हो गया वहाँ पे गुस्सा होता है और घर में आके फिर गुस्सा निकाल देते सकते. तो क्या होता है जो क्रोध जब रेगुलेटेड नहीं होता है तो वो मशीन गन है. मशीन गन जब चालू हो जाती है अभी किसको गोली लग रही वो इतनी फास्ट गोलियाँ निकलते पता भी नहीं चलता है. तो वैसे जब व्यक्ति का ग्रोथ नियंत्रित नहीं होता है तो भला बुरा इसको बोलता है उसको बोलता है सबको गुस्सा सबके प्रति गुस्सा कर देता है. पर वही क्रोध जो होता है अगर उसको रेगुलेट करते हैं तो एक लेजर गन होती है. लेजर गन जो होती है बराबर वो एक चीज को जाके लगती है और किसी भी चीज को लगती नहीं है. तो अभी जो अर्जुन क्योंकि उनका क्योंकि वह कृष्ण के मार्गदर्शन में थे क्योंकि वे धर्मिष्ठ थे
तो जो उनका क्रोध तो आया, ऐसे नहीं कि क्रोध आया नहीं, उनका अभिमन्यु उनका पुत्र था, स्नेह स्वाभाविक स्नेह था अपने पुत्र के प्रति, और जब इस तरह से बड़ी बेरहमी से उनके पुत्र का वध हो गया था तो क्रोध तो आएगा ही, पर क्योंकि वो धर्मनिष्ठ थे, क्योंकि भगवान के मार्गदर्शन में थे वो, तो क्या हुआ उनका जो क्रोध एक लेजर गन जैसे बन गया, बड़ा नियंत्रित होकर एक मार्ग पे लग गया। और किस मार्ग पे लग गया वो, किसके ऊपर? जयद्रथ के ऊपर, विजय। अभी जयद्रथ जो था उसने अभिमन्यु का वध नहीं किया था, पर उसने जो अभिमन्यु को मदद करने वाले थे उनको रोक दिया था, उनको अकेला कर दिया था अभिमन्यु को। तो ये बड़ा ही, और जानता था कि अभिमन्यु अंदर अगर फंस जाएगा तो अभिमन्यु को वध हो जाएगा, तो इसीलिए अर्जुन ने तभी प्रत लिया कि मैं कल शाम तक क्या करूँगा, या तो जयद्रथ का वध करूँगा या फिर मैं खुद अग्नि। ओके, तो क्या या तो फिर मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। और जैसे ही अर्जुन ने यह व्रत लिया कि मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा, सारे जो पांडव और उनके सेनापति उनके जो उनके योद्धा थे सब हताश हुए थे, सब उत्तेजित हो गए, सब प्रेत हो गए, और सब शंख बजाने लग गए और ऐसे विजय हो जैसे आवाज होने लग गई। और फिर दूसरी जगह दुर्योधन उनके वो सब विजय की सभा चल रही थी, और दुर्योधन कह रहे थे द्रोणाचार्य से कि द्रोण कल आप वापस चक्रव्यूह लगा दो, शायद हम किसी और को पकड़ लेंगे आज। और तभी अचानक वो बातचीत कर रहे थे एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर सराहना कर रहे थे, और तभी क्या हो गया पांडव के पक्ष से ऐसा विजय घोष होने लग गया, शंख बजने लग गए, सब आश्चर्यचकित हो गए और क्या हो गया। और तभी जयद्रथ दौड़ते हुए वहाँ पे आ गया, उसका सारा चेहरा सफ़ेद हो गया था, और क्या वहाँ पे सबके शब्द गुप्तचर एक दूसरे की जगह पर हुआ करते थे। तो फिर वो जयद्रथ ने कहा कि वो पार्थ ने व्रत लिया है कि कल मेरा वो वध करेगा, हे दुर्योधन मेरे संरक्षण का आश्वासन दो तुम मुझे, नहीं तो मैं अभी हिमालय में जा रहा हूँ। तो फिर दुर्योधन ने सोचा कि सिंधु नरेश सैंधव जयद्रथ था कि तुम क्यों चिंता करते हो, उसने सोचा कि कल उसे जब बताया कि पार्थ ने व्रत लिया कि मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा अगर नहीं हरा पाया नहीं मार पाया, तो बोले कल हम सारी सेना को लगा दोगे तुम्हारे संरक्षण के लिए और अर्जुन तुम तक पहुंच ही नहीं पाएगा, है ना द्रोणा? मैं द्रोण से पूछा, द्रोण सोचने लग गए, बोले कि वो जानते थे कि अगर सारी सेना जयद्रथ को रोकने के लिए लगा दी जाए, जयद्रथ को सबसे लगा जाए तो अर्जुन को कृष्ण तक अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था, अर्जुन को अकेले को तो ये नामुमकिन था, पर अर्जुन अकेला नहीं था, अगर अर्जुन के साथ कृष्ण है तो फिर क्या सारी कौरवों की सेना, क्या सारे देव और दानव सब साथ में भी आ जाएंगे तो भी अर्जुन के परे चला जाएगा। तो द्रोणाचार्य ने अभी जयद्रथ तो अभी खत्म हो गया, उन्होंने विचार कर रहे थे, तो कहा कि हे जयद्रथ हाँ हम सारी सेना तुम्हारे संरक्षण के तैनात कर देंगे, पर यदि अर्जुन तुम तक पहुंच भी गया, जयद्रथ थकने लग गया तो फिर भी क्षत्रिय को रणभूमि मृत्यु तो आदरदायक है। नहीं नहीं दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं ओके तुम पहुंच ही नहीं पाएगा तुम तक। और फिर अगले दिन जब अर्जुन ने युद्ध किया तो ऐसा युद्ध हुआ कि वो कौरवों ने अर्जुन को ऐसा कभी देखा ही नहीं था, और उस दिन ऐसे बनाया उन्होंने अपनी रणसेना ऐसी बनाई कि जो जयद्रथ को संरक्षण करने वाली रणसेना थी वो लोग 20 मील लंबी थी और 2 मील चौड़ी थी, पर अर्जुन सबको तोड़ के एक के बाद सारे योद्धाओं को पार करते हुए जयद्रथ तक पहुँचते गया। फिर बाद में क्या हुआ था, अर्जुन जब ऐसा सबको भेद के अंदर चला गया तो कोई भी उसका प्रतिकार करने के लिए नहीं था, क्योंकि सारे जो सैनिक थे या योद्धा थे वो अलग जगह पर तैनात थे। तो दुर्योधन कहने लगा कि ये ऐसे अर्जुन युद्ध कर रहा है, ऐसे लगता है ये एक दिन में हमारे सारे सेना का विनाश कर देगा, उसको रोको उसको। तो द्रोण कहने लग गए कि मैं जयद्रथ को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं संरक्षण करने के लिए उसके यहाँ पर रहा हूँ, तो अभी यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है सिर्फ तुम्हारे अलावा।
ये क्या आप कह रहे हो, तो मैं शायद इंद्र को रोक सकता हूँ पर इंद्र के इस पुत्र को आज के दिन तो रोक नहीं सकता मैं। तो द्रोण ने कहा कि नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम हमारा राजकुमार हो, मैं तुमको बलि का बकरा नहीं बनाऊंगा, पर मैं तुमको ऐसा एक कवच दे दूंगा कि वो कवच का कोई भेद नहीं कर सकता है। उस कवच के साथ तुम अर्जुन का प्रतिकार कर सकते हो। तो फिर वो कवच उन्होंने मंत्र से उसको पहना दिया और फिर क्या हुआ, दुर्योधन अर्जुन के सामने आ गया। और जब अर्जुन ने देखा तो कृष्ण और अर्जुन ने आश्चर्यचकित हो गए, बोले दुर्योधन ऐसा इतना निर्भयता से कैसे सबके सामने आ गया। तो कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, लगता है आज तुम न केवल जयद्रथ का वध कर दोगे, आज तुम युद्ध का ही अंत कर दोगे, दुर्योधन तुम्हारे सामने आ गया है। और तभी क्या हो गया, और तभी दुर्योधन ने कहा, हे अर्जुन तुम शक्ति दिखाओ और फिर मैं आज तुमको हरा दूंगा, तुम्हारा अहंकार को मिटा दूंगा। तो दोनों युद्ध करने लग गए और जब अर्जुन सारे तीर मार रहे थे और कोई भी तीर दुर्योधन को कुछ कर ही नहीं रहा था, कुछ भी भेद ही नहीं हो रहा था दुर्योधन को। दुर्योधन हंसने लगा, और चलाओ। और तभी अर्जुन, कृष्ण ने कहा, अर्जुन क्या हो गया है, ये आउट ऑफ फॉर्म होने का समय नहीं है, ये अभी युद्ध करना है। तो अर्जुन सोचने लगे, अर्जुन ने कहा, मेरा जो गांडीव से जो धनुष निकलते हैं, जो तीर निकलते हैं, वह तो पहाड़ों को भी भेज सकते हैं। अगर ये दुर्योधन को कुछ उससे नहीं हो रहा है तो कुछ विशेष बात है कि हाँ। तभी उन्होंने सोचा, क्योंकि द्रोण उनके गुरु थे, तो द्रोण ने अपना कवच पहना है। और तभी क्या किया उन्होंने, ये सोचता इस कवच के कारण ये सोचता है कि ये इसको भी कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन जो थे वो भी निपुण थे, जानते एक कमी थी, क्या था कि अभी वो कवच तो पहना हुआ था पर वो युद्ध करना है तो फिर वो कवच में जो उंगलियों के टिप्स होते थे अगला भाग, तो वो कवर नहीं हुए थे उस कवच से ताकि वो तीर निकाल सके, युद्ध कर सके। तो अभी वो सिर्फ अर्जुन को पता था, वो दुर्योधन को भी पता नहीं था। तो फिर जब तो अर्जुन ने क्या किया, दुर्योधन से अपना प्रहार कर रहा था और बड़े गर्व से अहंकार से खड़ा था, और अर्जुन ने एक एक करके ऐसे तीर मारे कि जो पूरे दुर्योधन के 10 उंगलियों के अंदर चले गए। दुर्योधन चिल्लाने लग गया वहाँ पे, और वो आपने धनुष बाण सब कुछ गिर गया वहाँ पे नीचे, और कृष्ण और अर्जुन हंसते उससे आगे चले गए। और फिर उस दिन जब अंत में वो पहुँचे कहाँ तक, जयद्रथ तक पहुँचे। और जब जयद्रथ तक पहुँचे तब दुर्योधन देख रहा था क्या हो गया, ये कैसे अर्जुन ने सारे सेना को हरा दिया है, से लगता है ये अर्जुन कोई रोक नहीं सकता है। सोचने लगे हैं शायद कृष्ण भगवान है, अगर कृष्ण भगवान नहीं होते तो अर्जुन इस तरह से कैसे युद्ध कर सकता है, इस तरह से सारी सेना का वध कैसे कर सकता है। तो कैसे होता है, हर एक के जीवन में कोई कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों ना हो, नास्तिक जीवन में वैसा प्रसंग आता है जब उनको भगवान की शक्ति दिखाई देती है, पर अगर व्यक्ति की इच्छा है नास्तिक बने रहना तो फिर क्या होता है, एक होता है लाइट और दूसरा होता है लाइटनिंग, एक होता है रोशनी और दूसरा होता है जो बिजली होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बिजली मतलब जो आसमान में चमकती है जब बारिश होती है। तो ज्ञान भी आता है, अगर कोई बहुत आसक्त है उस व्यक्ति के मन में ज्ञान भी आता है तो ज्ञान वो रोशनी के रूप में आता है, बिजली के रूप में आता है, और कुछ समय तक ऐसा चल जाता है शायद कृष्ण भगवान है। पर वो सोचने लग गया है अगर कृष्ण भगवान होते तो कृष्ण के लिए अर्जुन बहुत प्रिय है, अर्जुन के लिए अभिमन्यु इतना प्रिय है, तो कल मैं अभिमन्यु का वध कैसे कर पाता, कल हमने अभिमन्यु का वध किया इसका मतलब कृष्ण भगवान नहीं है, चलो युद्ध करो। तो ऐसे पहले उसने कहा कि कल हमने अभिमन्यु के लिए 6 योद्धा लगाए थे उसको रोकने के लिए, अभी हम 8 योद्धा लगा देते हैं। उसने कहा द्रोण और कृपा आप अर्जुन के आगे से आ जाओ, और उसने कहा कि कर्ण और शाल्य तुम एक बाजू से आ जाओ, फिर उसने कहा शकुनी और अश्वत्थामा तुम दूसरी बाजू से आ जाओ, उसने कहा दुर्योधन से कहा मैं और दुशासन पीछे से आ जाते हैं। और फिर 8 योद्धाओं ने एक साथ अचानक अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, और अर्जुन अभी जयद्रथ के रथ को देख ही रहे थे पर अचानक ऐसे मान लीजिए सारे तीरों का एक घना बादल उनके चारों ओर आ गया,
और वो कुछ देख भी नहीं पा रहे थे, पूरी शक्ति से सारे वो धनुष वो दो जो बाण थे उनका प्रतिकार कर रहे थे, पर फिर भी वह आगे भी नहीं बढ़ पा रहे थे, सो क्लोज येट सो फार। हाँ वहाँ पे देख रहे थे जो सूरज था वो सूर्यास्त की ओर जा रहा था, और तभी अर्जुन डिस्पेयर करने लगे, हताश होने लगे, और जब अर्जुन से शक्ति से युद्ध कर रहे थे, कृष्ण भगवान ने देखा कि अभी ये जो है अर्जुन हताश हो रहे हैं, तभी कृष्ण भगवान ने ना स्वर्ण चक्र निकाला और स्वर्ण चक्र एक अदृश्य रूप में तभी आया उनके उंगली में और उन्हें उसको सूर्य की ओर भेज दिया और वो सूर्य ढक गया, और जैसे ही सूर्य ढक गया सारे रणभूमि पर अंधकार हो गया, और जैसे ही अंधकार हो गया सारे कौरव जो युद्ध कर रहे थे वो सारे बहुत आनंद हो गए, नाचने लग गए, आज जयदेव सबके सामने आ गया जो अब तक सबके पहले पीछे छुपा हुआ था, अभी क्या हो गया सबके सामने आ गया, कहने लगे जयद्र मुझे मारने वाले तुम, जयद्र कहने लगे अभी मैं तुम्हारी चिता की अग्नि लगाता हूँ। हाँ अर्जुन हताश होके अपना धनुष नीचे कर रहे थे, तभी कृष्ण ने अर्जुन से बिना पीछे मुड़े हुए कहा, आगे ही देखे थे, अर्जुन अभी तक समय है, अभी तुम धनुष उठाओ। तो अर्जुन भी समझ गए कुछ समय ऐसे होते हैं जब सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, धनुष उठा लिया, और धनुष जैसे उठा लिया उन्होंने कहा कि तुम अपने इस धनुष पे ब्रह्मास्त्र लगाओ और जयद्रथ के सिर को इस तरह से काटो कि वो सिर जमीन पे नहीं गिरे, पर यहाँ से दूर सिनपंचक है वहाँ पे उसके पिता है विदक्षत्र वो तपस्या कर रहे हैं उनके गोद में जाके उसका सिर गिरे। तो जब ऐसे बोला तो अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और सारे कौरव हंस रहे थे और वो देख क्या हो गया, चाहे अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया, किस लोगों ने कुछ कुछ लोगों ने देखा कुछ लोगों ने देखा भी नहीं, और तभी भगवान ने क्या कर दिया सुदर्शन बाजू कर दिया और अर्जुन से कहा वो है सूर्य और ये है जयद्रथ छोड़ो अपना बाण। जैसे उन्होंने बाण छोड़ा सबके सामने वो देख रहे सबके सामने देख रहे बाण सबके सामने आंखों के सामने निकल गया, और जयद्रथ देख रहा था, एक समय वो हंस रहा था और हंसते हंसते उसके हंसी बंद हो गई, डर गया वो, और कुछ करने के पहले उसका जो है सिर कट गया, और विदक्षत्र ने जानते थे कि वो जयद्रथ थोड़े बुरे के सजा व्यक्ति था, तो इसलिए उसके संरक्षण के लिए ऐसे वर मांगा था शिव जी से कि जो भी जयद्रथ के सिर को नीचे गिराएगा जमीन पर गिराएगा उसका सिर हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह से वो तो भगवान ने भगवान जानते थे, उन्होंने क्या किया उसका सिर जाके बुध क्षेत्र के ही गोद में गिर गया, और वो अभी तपस्या कर रहे थे ध्यान में थे और अचानक कुछ गिर गया, अभी मान लीजिए हम जप कर रहे हैं अचानक कुछ गिर जाए क्या क्या है मैं बैठ गया क्या ये, तो आँखें खोल देखा ये तो एक खोपड़ी है खून है इसमें, तो कि किसका खोपड़ी है किसका कुछ देखा ही उन्होंने किसका सिर है देखा ही नहीं, उसको ढकेल दिया, और जैसे ही जयद्रथ का सिर नीचे गिर गया उनके सिर का ओम नमः शिवाय हो गया खत्म हो गया उनका सिर। शिव जी जो है वो विनाश के कारण है, विनाश के वो संहार करते हैं, तो शिव जी ने उनका संहार कर दिया। तो इस तरह से भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में जब अर्जुन ने अपना जो क्रोध था उसको डायरेक्ट किया तो उस क्रोध के कारण उनको सबसे बड़ा विजय होता उनके युद्ध का ओम को प्राप्त। अभी ये सब जो हुआ 14वें दिन में हुआ, 13वें दिन में अभिमान्यु का वध हुआ था, 14वें दिन में हाँ जयद्रथ का वध हुआ। 15वें दिन में जब द्रोण बहुत घमासान युद्ध कर रहे थे तो तभी वापस दुर्योधन द्रोण को बहुत कटु शब्द कहने लग गए, और वो कटु शब्दों से बड़े दुखी होकर द्रोण ने क्या किया, द्रोण शास्त्रों में ऐसे बताया जाता है रणभूमि ऐसे जो योद्धा है जो जो रथ पे है और जो दूसरे रथ पे उनसे युद्ध करेगा, जो जो पर जो जनसाधारण सैनिक थे उन सबका वध दुर्गुण कर लगे, और दिव्य अस्त्र इस्तेमाल करके, दिव्य अस्त्र इस्तेमाल करके मतलब कैसे, अगर मान लीजिए कोई साधारण लोग है कोई जन समाज है और वो प्रोटेस्ट कर रहा है, ये प्रोटेस्ट कर रहा है कि ये टैक्स निकाल दो या सरकार को ऐसे नहीं करो, तो तभी अगर पुलिस को उनको रोकना है तो लाठीचार्ज कर सकते हैं या फिर वो कुछ गैस डाल सकते हैं जिससे कि वो लोग चले जाए वहाँ से, पर अगर साधारण लोग हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तभी वहाँ पे पुलिस आती है और पुलिस वहाँ पे बम डाल देती है
तो अभी क्या है, दिस इज अनवॉरेंटेड यूज ऑफ फोर्स. जो जो शक्ति है उससे जरूरत से ज्यादा शक्ति इस्तेमाल की जा रही है. तो द्रोण क्या करने लग गए, उस प्रकार से दिव्य अस्त्र जो है वो साधारण सैनिकों के खिलाफ इस्तेमाल करने लग गए. और जब वो इस तरह से करने लग गए तो आप ऊपर उन्होंने सप्तऋषियों को आते हुए देखा और सप्तऋषियों ने कहा कि हे द्रोण, तुम अभी जो कार्य कर रहे हो वो अनैतिक है. तुम एक ब्राह्मण हो, इस तरह से गुणास्पद कार्य क्यों कर रहे हो, तुम रुक जाओ. अभी महाभारत बताया गया है कि दुर्योधन के संघ के कारण, खास करके दुर्योधन के कटु वचनों के कारण द्रोण की बुद्धि भी एक तरह से भ्रष्ट हो गई. और तभी इस तरह से जब द्रोण बड़े बेरहमी से अनैतिक बुद्धि से युद्ध करने लग गए, ऐसा लगने लगा कि वो उसी समय में सबका वध, वो पांडव की सेना का विनाश कर देंगे. तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अभी तुम्हें ही बचाना पड़ेगा, तुम्हें ही बचाना पड़ेगा. कैसे बचाए, तो कहा कि द्रोण की एक कमजोरी है. ऐसे में द्रोण ने स्वयं बताया था जब युद्ध के पहले युधिष्ठिर महाराज कौरव के वरिष्ठों के पास गए थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो उन्होंने उनसे पूछा था कि मैं, हम आपको कैसे हरा सकते हैं. तो द्रोण ने तभी कहा था कि विश्वासपद व्यक्ति से अगर मैं कुछ गलत सुनता हूँ, अगर कोई मैं कुछ बुरा डिसएग्रीएबल कुछ बुरी समाचार सुनता हूँ, तो वो सुन के मैं स्वयं युद्ध छोड़ दूंगा और उसी तरह तू मुझे हरा सकते हो, उसके अलावा कोई हरा नहीं सकता है मुझे. तो पांडवों की योजना क्या थी, कृष्ण की योजना भी तभी क्या थी कि जो द्रोण है उनके गुरु थे. पांडव तो कभी युद्ध चाहते ही नहीं थे और खास करके विभीष्म द्रोण के खिलाफ युद्ध नहीं चाहते. तो उनकी योजना ये थी कि अगर द्रोण अपना धनुष नीचे कर देंगे तो वो द्रोण को गिरफ्तार कर लेंगे और द्रोण को गिरफ्तार बंदी बना के रख देंगे और फिर युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर द्रोण को छोड़ देंगे वापस. तो ये उनकी योजना थी तभी. तो यह बोल के तभी युधिष्ठिर से कहा कि अभी द्रोण की कमजोरी ये है कि जो उसका पुत्र है अश्वत्थामा, जो बड़े आसक्त है, तो अगर आप उनको बताओगे कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो गई है तो फिर वो युद्ध नहीं करेंगे. तो युधिष्ठिर सोचने लगे ये कैसे बोल सकता हूँ मैं, अश्वत्थामा की तो मृत्यु नहीं हुई है. और तभी भीम ने देखा, भीम भी देख रहे थे कि द्रोण क्या कर रहे हैं. तो उन्होंने तुरंत क्या किया, भीम ने वहाँ पे कौरव के पक्ष में एक योद्धा था, उस योद्धा का हाथी का नाम अश्वत्थामा था, अश्व का नाम है तो अश्वत्थामा था. तो क्या था, उस योद्धा पे प्रहार करके उस योद्धा का वध कर दिया और उसके हाथी का भी वध कर दिया. और फिर जैसे ही वो वध हो गया तो कहने लगे अश्वत्थामा का वध हो गया है, अश्वत्थामा का वध हो गया है. जब द्रोण के पास जाके जब बोले, द्रोण ने सुना तो द्रोण ने भीम डर गए, वो पर बोले भीम पे तो विश्वास, भीम चपल चालाक है, भीम पे विश्वास नहीं करते हैं, तो ध्यान नहीं दिया और युद्ध करते गए. पर युद्ध कर रहे थे तो तभी क्या हो गया, पुनः वही दैवीय अस्त्र साधारण योद्धाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने लग गए. जब ऐसे हो गया तो पुनः वो द्रोण क्या कर रहे हो तुम, रुक जाओ, इस तरह से पापपूर्ण कार्य मत करो. तो थोड़ा उनको संशय होने लग गया और तभी युधिष्ठिर ने, मुझे भी सोच रहे थे क्या हुआ है, अश्वत्थामा है, कहीं दिख नहीं रहा था अश्वत्थामा. उस दिन क्या हुआ था, अश्वत्थामा का युद्ध हुआ था घटोत्कच और घायल हुए थे अश्वत्थामा, तो रणभूमि से ले गए थे, कहीं दिख नहीं रहे थे, कहीं भी अश्वत्थामा दिख नहीं रहे थे. तो फिर भी किससे पूछे, तो युधिष्ठिर के पास गए. और तभी कृष्ण और अर्जुन के, कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, अभी तुम्हें ही तुम्हारे राज्य, तुम्हारी सेना को बचाना होगा. तभी युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा का वध हो गया है. और फिर युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल पा रहे थे, युधिष्ठिर ने कहा कि मानव नहीं हाथी, नरो वा कुंजरो वा, कि मानव था या हाथी था ये पता नहीं मुझे. पर तभी क्या हो गया, जो इस तरह से जब वो रणभूमि बता रहे थे, जब एक चीज सुनी अश्वत्थामा का वध हो गया, तो द्रोण पूरी तरह से हताश हो गए और युद्ध करके भी युद्ध क्यों करूं मैं, युद्ध करने का क्या हुआ. और बाद में जो भी युधिष्ठिर ने बोला वो सुना ही नहीं उन्होंने. और जब द्रोण ने अपना धनुष छोड़ दिया, रुक दे धनुष छोड़ दिया, तभी पांडव की योजना थी कि हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे. पर तभी क्या हो गया, दुष्टद्युम्न बीच में आ गया. दुष्टद्युम्न जो था
द्रुपद महाराज का पुत्र था और उसका जन्म इसलिए हुआ था कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके, पर युद्ध की शक्ति में धृष्टद्युम्न और द्रोण के कोई मुकाबला ही नहीं था। द्रोण बहुत शक्तिशाली थे, धृष्टद्युम्न ने बार बार प्रयास किया था पर हर बार द्रोण ने धृष्टद्युम्न को आसानी से हरा दिया था। तो अभी धृष्टद्युम्न बहुत क्रोधित हो गया था और जब उसने देखा कि द्रोण ने अपना धनुष नीचे कर दिया है तो तुरंत धृष्टद्युम्न द्रोण की ओर आक्रमण करने आ गया। जैसे ही वो आक्रमण करने आ गया तलवार लेके उनके चला गया तो अर्जुन ने चिल्ला के कहा धृष्टद्युम्न रुक जाओ। कई पांडवों ने कहा रुक जाओ धृष्टद्युम्न, पर धृष्टद्युम्न क्रोध में इतना क्रोध के आवेश में आ गया था कि उसने सीधा द्रोण के पास गया और द्रोण का उसने वध कर दिया। तो अभी यहाँ पे ये धृष्टद्युम्न ने जो वध किया ये बड़ा ही ये गलत था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अभिमन्यु का वध हुआ वो गलत था, द्रोण का वध था वो भी गलत था, पर दोनों में फर्क है। अभिमन्यु का जो वध था वह पूरा योजना बना के छह योद्धाओं ने साथ में आक्रमण किया था, पर धृष्टद्युम्न ने जो वध किया द्रोण का वो क्या था, क्रोध के वश में आके धृष्टद्युम्न ने वो अकेले बाकी पांडवों के इजाजत के बिना, के सहमति के बिना, के जानकारी के बिना अकेले कर दिया वो, और धृष्टद्युम्न को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। वो जो परिणाम क्या था, बाद में अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का बड़े बेरहमी से वध कर दिया। तो उसके बाद में जो पांडव के पत्र थे, पुत्र थे और बाकी सारे सैनिक बचे थे उन सबका भी वध हो गया। तो यहाँ पे जो द्रोण थे पांडव के पक्ष में, द्रोण जो उनके पुत्र का जब वध हो गया तो वो हताश हो गए, क्योंकि क्या था, वो धर्म के पक्ष से युद्ध नहीं कर रहे थे, कृष्ण का मार्गदर्शन नहीं था उनको। जब कृष्ण का मार्गदर्शन नहीं था तो क्या हुआ, क्रोध था, पहले तो क्रोध से मशीन गन से निकल गया, सबको वध करने लग गए, पर बाद में पूरा हताश हो गए। तो जो व्यक्ति धर्मिष्ठ नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, उनका जब क्रोध आता है तो या तो क्रोध दूसरों का विनाश कर देता है या खुद का विनाश कर देता है। पर जब हम भक्ति भाव से भगवान की सेवा करते हैं तो ऐसे नहीं कि क्रोध आएगा नहीं, क्रोध आएगा, पर क्रोध आएगा भी तो उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। क्रोध आएगा, कुछ समय तक रहेगा और चला जाएगा, और जो जिस समय कुछ समय तक आता भी है वह जो रहता है, जिस मात्रा में आता है धीरे धीरे वो मात्रा कम होने लगती है। तो इसीलिए हमें जब भक्ति कर रहे हैं तो भगवान की सेवा के भाव में जब हम रहते हैं, हमेशा भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में रहते हैं, हमारे गुरुवर के मार्गदर्शन में रहते हैं, तो भले ही हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं आती है, वासनाएं आती है, क्रोध आता है, पर उसको नियंत्रित करके उसको सकारात्मक रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी जो थे कभी कभी उनको भी क्रोध आया करता था, पर उनका क्रोध ऐसे था कि वह केवल भगवान की सेवा के लिए हुआ करता था। तो एक बार प्रभुपाद जी दीक्षा का समारोह था यूरोप में एक जगह पे, दीक्षा होने वाली थी तो तभी भक्तों को कुछ पता ही नहीं दीक्षा कैसे होती है, सब भक्त नए थे। तो प्रभुपाद जी को यज्ञ करना था पर उन्होंने यज्ञ के लिए कुछ सामग्री नहीं थी, उनको फिर प्रभुपाद जी को माला चाहिए थी तो माला के लिए किसी पास फूल नहीं थे, तो एक भी चीज़ ठीक नहीं चल रही थी। तो प्रभुपाद जी काफ़ी क्रोध हो गए और वो डांटने लग गए सबको, तुम्हें कुछ भी योजना नहीं बनाई, इतना बड़ा हमको उत्सव करना है। और फिर तो तभी प्रभुपाद जी गुस्सा हो गया, सब भक्त डर गया, सबने फिर जो कार्य था सब कुछ कर लिया और वो जो प्रसन्नता वो उत्सव का खत्म हो गया। फिर प्रभुपाद जी अपने कमरे में चले गए और जब प्रभुपाद जी कमरे में चले गए तो जो प्रभुपाद जी के सेवक थे वो भी तो बहुत डरे हुए थे, प्रभुपाद जी सामने जाए कि प्रभुपाद जी इतने क्रोध में थे पर भी उनकी सेवा तो करनी है, उनको कुछ प्रसाद चाहिए, कुछ पूछना है। तो फिर वो तभी क्या हुआ, वो प्रभुपाद जी के कमरे के दरवाजा थोड़ा सा खुल के अंदर दिख ले, प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी बैठे हैं, उनके सामने गौर हृदय का चित्र है एक, और प्रभुपाद जी आंखें बंद कर ताले जय गौर निताय गौर हृदय का कीर्तन कर रहे हैं और बिल्कुल ही छोटे बालक के समान आनंद से कीर्तन कर रहे। भक्त बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे हम
अभी तो प्रभुपाद इतना क्रोध में थे और अभी इतने बिल्कुल बालक के समान आनंदी है, कैसे संभव है? फिर धीरे से अंदर चले गए और प्रभुपाद जी को पूछा, ये आपको कुछ प्रसन्न है? प्रभुपाद जी ने कहा उनको बहुत प्रसन्न थे। जगन्नाथ देश मैया की प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे। प्रभुपाद जी से उनसे पूछा कि आपको कुछ है? प्रभुपाद जी हाँ बोला, प्रसाद दिया। और फिर वो बालक उनको पूछा कि प्रभुपाद जी अभी तो आप इतना क्रोधित थे, अभी आप इतना क्रोधित थे, पर अभी आप इतने प्रसन्न कैसे हो गए? तो प्रभुपाद जी तभी बोले कि ये गौरविता की कृपा है कि यहाँ पे इस दूर देश यूरोप में भी उनकी कृपा से भक्तों की दीक्षा हो रही है, भक्त हो रहे हैं, तो वो कृपा से मुझे आनंद हो रहा है। तो फिर आप अभी क्रोधित थे प्रभुपाद जी बोले कि जो भक्त होते हैं, भक्त की चेतना जो होती है वो एक सागर के समान होती है, और सागर में ऊपर कितनी भी बड़ी लहर ना आ रही हो नीचे सागर शांत रहता है। तो उस तरह से जब हम सेवा भाव में लगते हैं, हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो भले ही ऊपर सागर के ऊपर जो है वो थोड़ी लहरें आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, पर जब तक सेवा भाव सुदृढ़ रहता है तो लहरें आएगी चले जाएगी, पर वहाँ जो सेवा भाव है वो कभी नहीं जाएगा। पर अगर सेवा भाव नहीं है तो वो क्या है, जैसे लहरें वो एक सागर में नहीं आ रही है, वो एक बड़ी लहरें एक छोटे से खड्डे में आ रही है तो सारा विध्वंस कर देगी। तो हमें हमारे क्रोध को नियंत्रण करना है, पर क्रोध को नियंत्रण करना है, एक है जब क्रोध आता है तो मैं उस क्रोध के वश में नहीं जाऊँगा, तो वो तो ज़रूर कर सकते हैं, पर उससे महत्वपूर्ण है कि हम भक्ति करते हैं, और जब भक्ति करते हैं ध्यानपूर्वक, तो भक्ति करने के द्वारा हमारी चेतना जो है वो एक छोटे से पडल, छोटे से खड्डे में पानी जैसे समान न रहकर हमारी चेतना जो है एक विशाल सागर के समान बन जाती है। तो क्रोध जो है वो थोड़े पानी की लहर आ जाती है, आएगी चली जाएगी, पर उससे हमें परिणाम नहीं होगा। इसे भगवान कहते हैं आपूर्यमान अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। विशेष भक्ति हम ध्यानपूर्वक करते रहेंगे तो जो भी हमारे मन में विचलित करने वाली चीज़ें आती है वो आएगी, कुछ समय तक रहेगी, चली जाएगी, और शांति मापनोति जो परम शांति है भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सारांश में मैं चर्चा की किस तरह से हम क्रोध को सकारात्मक रूप से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीन पॉइंट देखे हमने, सबसे पहले क्रोध जब आता है वो बड़ा विनाशकारी हो सकता है, वो हमको कुछ समय तक पागल बना के हमसे ऐसे वचन बुला सकता है, हमसे ऐसे कार्य कर सकता है कि हम दूसरों को दुख देते हैं, खुद को भी दुख दे सकते हैं उसे। तो अब ये क्रोध आता कहाँ से है, ये हमारे कामानुज है, हमारी जितनी आसक्ति है उतना हमें क्रोध आता है। तो हमें क्रोध का अगर नियंत्रण करना है, क्रोध का तो हमें क्या करना है, हमारी आसक्ति भगवान की ओर लानी है। सिर्फ क्रोध से झगड़ा नहीं कर, क्रोध को युद्ध नहीं करना है हमें, हमारी आसक्ति को परिवर्तित करना है। जितनी हम भक्ति करके हमारी आसक्ति भगवान में लगा लेते हैं उस हद तक और भगवान का सेवा भाव हमारे जीवन में आ जाता है, और उससे फिर उसके आधार पर हम कार्य करते हैं। जैसे हम देखा कि कोई व्यक्ति अगर ग्राहक से बातचीत कर रहा है, तो ग्राहक भले ही अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा, पर वो व्यक्ति जो सेवक है वो ग्राहक की बातचीत नहीं देखता है, वो अपने बॉस की ओर देखता है और बॉस को पसंद करने का प्रयास करता है। दूसरे से दूसरा व्यक्ति कैसे भी कार्य क्यों न कर रहा हो, अगर हम भगवान की सेवा का भाव रखते हैं तो हम उचित तरह से कार्य कर सकते हैं। उचित कार्य क्या होगा वो अलग अलग प्रश्न में अलग अलग होगा। दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया, पर विदुर ने देखा कि ये भगवान की सेवा में आगे बढ़ने का और मौका है। फिर हम देखा कि कैसे विस्तारित रूप से अर्जुन ने कैसे जो क्रोध आया अभिमन्यु के वध पे, वो क्रोध को भगवान के मार्गदर्शन के द्वारा एक सकारात्मक रूप दिया। अगर क्रोध नियंत्रित नहीं है तो वो मशीन गन के समान है, वो किसी और सबको नुकसान पहुंच सकता है, हमको भी नुकसान पहुंच सकता है, पर जब वो भक्ति के द्वारा, धर्म के द्वारा जब उसको नियंत्रित करते हैं तो वो एक लेजर गन के समान बनता है, बराबर जो समस्या है उसके हल में शक्ति प्रदान करता है। जो हमारी भावनात्मक मानसिक शक्ति है वह क्रोध के द्वारा बड़ी व्यस्त हो सकती व्यर्थ जा सकती है, पर अगर क्रोध को हम सेवा भाव में इस्तेमाल करते हैं तो फिर उससे हम काफ़ी सेवा कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने सबसे बड़ा विजय प्राप्त किया, वैसे जो भी हमारे क्रोध है वो सेवा भाव में लगाते हैं तो फिर हम बहुत अच्छी सेवा भगवान की कर सकते हैं।
और अंत में हम देखा कि कैसे है जो शिव प्रभुपाद जी क्रोधित थे और फिर भी शांत थे अगले पल में। ऐसे क्यों थे? क्योंकि जो जो भक्त की चेतना होती है वो एक सागर के समान होती है, विशाल सागर में ऊपर बड़े ही क्लोर क्रोध की लहर आ रही है पर नीचे भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा भाव से ये शांति और संतुष्टि है। तो उस तरह से हम भक्ति करते रहेंगे तो फिर हमारी चेतना एक छोटे खड्डे में पानी है उससे बढ़कर एक विशाल सागर ऐसा बन जाएगी और उस चेतना में उस भगवत भक्ति में ही परम शांति और परम संतुष्टि है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की गौर भक्त वृंद की पिता गौर प्रेमानंद। वुड लाइक टू टेक एनी क्वेश्चन। समय है हमारे पास। हां, वन टू क्वेश्चन कैन बी। किसी कोई सवाल है? Yes. Your comment is that leads to anger. Yes. Is it? How okay. It is? तो क्या जो हमें भूख लग जाती है तो भूख के कारण क्रोध आ जाता है? तो हाँ, ये तो जरूर होता है। ये भागवत में वर्णन आता है कि जब परीक्षित महाराज को बहुत प्यास लगी थी और जब उनको पानी नहीं मिला तो उससे क्रोध आ गया उनको और फिर उन्होंने जो शमी ऋषि थे उनके सिर में एक सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप था। तो वास्तव में क्या होता है कि हम सब आत्मा हैं पर आत्मा एक प्रकार के शरीर में है, एक प्रकार के मन में है और शरीर और मन की ज़रूरतें हैं वह भी ज़रूरतें हैं, वह महत्वपूर्ण है और कभी कभी अगर वो पूरी नहीं होती है उसमें कोई व्यत्यय आता है तो एक स्वाभाविक रूप से क्रोध आ जाता है। तो वह जो क्रोध है वह इट्स नॉट एग्जैक्टली अ डिफेक्ट और कंटेमिनेशन, वह एक स्वाभाविक रिएक्शन है। अगर मान लीजिए कोई बड़े महान भक्त भी है, अगर मैं पहले के प्रवचन उदाहरण दिया था, तुलना की थी कैसे है कि जो हमारे मन की भावनाएं जो होती है वह वास्तव में एक जो परिस्थितियां हैं उनके प्रति रिएक्शन है। कोई महान भक्त भी क्यों ना हो गए, अगर बहुत ठंडी है बाहर तो ठंडी में जाएगी तो उनको ठंडी लगेगी, शायद वो उनकी दृढ़ संकल्प इतना होगा कि वो सहन कर लेंगे पर शरीर के स्तर पर ठंडी लगेगी। तो उसी तरह से अगर भूख लग जाती है तो उससे एक प्रतिक्रिया मन के स्तर पर, भावना के स्तर पर आ सकती है। पर महत्वपूर्ण भाव यह है कि जब जैसे ही वो कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति गुमराह हो सकता है पर जैसे ही वो परिस्थिति चली जाती है तो तुरंत सही मार्ग पर आते हैं। इसे हम देखते हैं परीक्षित महाराज कुछ पलों के लिए पदभ्रष्ट हो गए पर जैसे ही वो परिस्थिति खत्म हो गई मैंने बड़ी बड़ी गलती की है और जो भी मुझे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए सजा मिलने दो, स्वयं में बोलने लगे उस तरह से। तो क्या होता है कि हमारा जीवन में है, हमारे जीवन की अगर हम उसको फ्लाइट मानते हैं, हम एक फ्लाइट से जा रहे हैं तो कभी भी हम ये फ्लाइट ऑफ कोर्स हो सकता है और अधिकांश रूप से जब मेरा एक मित्र पायलट है बता रहे थे कि कोई भी फ्लाइट
एक जगह से दूसरी जगह भी जा रही है, अभी मान लीजिए यहाँ से अभी मैं तो दिन में बॉम्बे जा रहा हूँ, तो सिंगापुर से बॉम्बे फ्लाइट जा रही होगी, तो वो 90% समय वो ऑफ कोर्स होती है, 90% कोई भी फ्लाइट होती है वो ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि उसका जो उसका उसकी रफ्तार होती है, हवा की रफ्तार होती है, वातावरण होता है। पर क्या होता है, वो जो पायलट होता है वो प्लेन ऑफ कोर्स जाते हैं, वापस कोर्स में ला देते हैं, वापस ऑफ कोर्स जाते हैं, वापस उसको सही जगह में ला देते हैं। जैसे हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ड्राइवर कुछ बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहा होता है, पर क्या होता है, गाड़ी ऑफ चली जाती है, वापस वापस दूसरी जगह चली जाती है, वापस टाइम में आ जाओ, तो क्या होता है, तो वैसे थोड़े हद तक ऑफ कोर्स जाना वो अगर शारीरिक मानसिक कुछ परिस्थिति अगर विपरीत आ गई है तो कुछ हद तक चला जाएगा व्यक्ति, पर जैसे ही वो परिस्थिति चली जाएगी वापस सही मार्ग पे आ जाएगा। तो इसलिए डिवोशन, भक्ति जो है, डिवोशन इज सीन नॉट जस्ट इन स्पेसिफिक एक्शंस बट इन ओवरऑल इंटेंशंस। अगर भक्ति देखना है किसी की तो उसके हर एक कार्य पे ऐसे माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं है, कि जीवन का उद्देश्य क्या है वो देखना चाहिए हमें, और उस उद्देश्य के अनुसार वो जीवन जी रहे हैं तो कभी कभी थोड़ा सा कुछ कार्य गलत भी हो गया तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें शारीरिक जरूरतों में व्यक्ति आता है तो जरूर क्रोध आ सकता है, पर अगर भक्ति का भाव है, सेवा का भाव है, तो उसके जरूर हम आसानी उस व्यक्ति के सही मार्ग पर तुरंत हम आ जाएंगे कुछ समय बाद। ओके, थैंक यू। इसमें लास्ट क्वेश्चन, तो अगर युधिष्ठिर कभी ही सहन करने के लिए उसके उसका विरोध करते थे दुर्योधन का, तो क्या वो तभी सब कुछ सारा रोक सकते थे? कहते हैं कि आफ्टर द इवेंट एवरीबडी इज अ वाइज पर्सन। जब वो परिस्थिति हो जाती है, ऐसे अभी कैसे क्रिकेट मैच होती है, तो क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद हज़ार लोग बोलते हैं इसने इसको ऐसे बैटिंग करना चाहिए, इसने ऐसे बॉलिंग करना चाहिए, सब लोग बैठ के कमेंट्री देने के लिए, जजमेंट करने के लिए होते हैं, पर जो वहाँ पे खेल रहे हैं उनको तभी फैसला करना होता है। तो वैसे क्या आप उस तरह से क्या है, अगर हम वो परिस्थिति देखते हैं तो वो पांडव की परिस्थिति तभी बहुत वल्नरेबल थी, वो बहुत असहाय थे, क्योंकि वो जंगल में रह रहे थे उसके पहले, और वो ब्राह्मण और ऋषियों के बीच में रह रहे थे, तो जानते थे युद्ध पर युद्ध कर क्या नहीं था उन्होंने तो किसी से, और अभी भी नए परिवार में आए हैं, वहाँ पे किसी को जानते नहीं है, वो भीष्म द्रोण को स्नेह दिखा रहे थे, पर वो कितना स्नेह है, कितना सखोल है, कुछ पता नहीं था उनको, कुंती अकेली उनके साथ थी, तो पहले जब वो हुआ तो वो एक ऐसे अनजान बालक वहाँ पे रह रहे थे, अचानक नए शहर में आ गए हैं, और एक बड़े जैसे कृष्ण वृंदावन से कम के राज्य में चले गए थे, उसी तरह से पांडव आ गए थे, पर कम से कृष्ण तुरंत जाकर उनका वध कर दिया, पर वो एक क्लियर विलन था वहाँ पे, पर यहाँ पे ऐसे इतना स्पष्ट नहीं था कौन गलत है। तो इसलिए वह जो है उस समय के परिस्थिति में जो उन्होंने किया वो उचित था। कैसे है कि हमको ये एक्चुअली कल के प्रवचन में देखने वाला हूँ, कैसे है कि व्हेन टॉलरेंस इज स्ट्रेंथ एंड व्हेन टॉलरेंस इज वीकनेस। सहनशीलता ये कभी शक्ति होती है और ये कभी कभी ये कमजोरी हो जाती है, पर वो पहले से पता करना मुश्किल होता है। कभी कभी हम कोई व्यक्ति गलती करता है उसको हम मौका देते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं, सहन कर लेते हैं, और व्यक्ति ठीक हो सुधर जाता है, और कभी कभी होता है उसको जितना माफ़ करते उतना वो और गलत मार्ग पर चलाता है, वो ये पहले से तो पता नहीं कौन गलत मार्ग पर जाने वाला है। तो इसीलिए हमें जो उस परिस्थिति में हम किसी छोटी सी गलती पे कोई बड़ा रिएक्शन दिखाना वो भी उचित नहीं है। फिर बाद में दूसरे जब आर्णावर्त में थे हुए, जब वो पूरा षड्यंत्र हो रहा था कि उनको भेजना है इधर, जलाना है उनको, जला देना है, वे पांडव भी बुद्धिमान थे, विदुर के मार्गदर्शन में वो कार्य कर रहे थे, विदुर भी समझ गए थे कि अगर दुर्योधन ने इतना बड़ा योजना बनाई है तो धृतराष्ट्र की सहमति तो होनी चाहिए, उसके बिना वो इतना कर नहीं पाएगा। तो अगर धृतराष्ट्र
दुर्योधन के साथ में रह गए, तो अभी भीम भीष्म भले ही उनका व्यक्तिगत मत कुछ भी हो, भीष्म का व्रत था कि वो जो जो दुर्योधन जो कुरु के राजा है उसके ही समर्थक रहेंगे। तो भीष्म का जो कार्य है ये विस्तारित विषय है, पर भीष्म का जो भीष्म एक उदाहरण है नियमाग्रह के। वो महाजन है पर उस परिस्थिति में क्या कोई भी हो जाए वो नियम का पालन करना, नियम का उद्देश्य क्या है वो देखना नहीं। तो उस तरह से थोड़ा भीष्म उनका समर्थन करेंगे या पता नहीं था उनको, पर जब बाद में उन्होंने द्रौपदी का स्वयं में द्रौपदी का हाथ जीत लिया, तो उस समय भारत में दो प्रधान राज्य थे, एक था पांचाल और दूसरा था कौरव। तो अभी जब द्रुपद उनके उनके संबंधी बन गए तो अभी पांडव केवल अनजान बालक नहीं रहे थे, तो अभी उनके सामने बड़ी शक्तिशाली एक राजाओं के साथ में था। और तभी देखिए कुड एजर्ट देयर पोजिशन, वो अपना वो प्रतिकार कर सकते थे। तो इसीलिए ऐसे नहीं कि उन्होंने सहन करके तभी गलती की, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी, प्रतिकार करने का उनकी परिस्थिति नहीं थी। वो तो युधिष्ठिर ने जो किया उस परिस्थिति में जो उचित कार्य था वही किया, पर दुर्भाग्यवश दुर्योधन की ईर्ष्या और बढ़ती गई और सुभ्रांस्पत कार्य भी और बढ़ते गया। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, जय।